दोस्तों आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन है क्योंकि आज हम हाइब्रिड एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। इससे पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेटिव एप्लीकेशंस को कैसे बिल्ड करते हैं, आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए और किन किन चीजों को यूज करते हुए एंड्रॉयड एंड iOS की एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने हाइब्रिड एप्लीकेशंस को कैसे डिस्कस करना है। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस है क्या और इनकी जरूरत क्यों पेश आई हमें। तो हाइब्रिड एप्लीकेशन बेसिकली सिंगल कोड बेस को यूज करते हुए बनाई जाती है, यानी इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एंड्रॉयड के अंदर कोड लिखना था तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बननी थी, iOS में लिखना था तो iOS की बननी थी। लेकिन हाइब्रिड के अंदर हम एक दफा एक लैंग्वेज के अंदर कोड लिखेंगे, सिर्फ एक क्लिक करेंगे तो हमारी iOS के अंदर ऐप बिल्ड हो जाएगी, एक क्लिक करके एंड्रॉयड में, एक क्लिक करके वेब के अंदर। यानी कि सिंगल कोड लिखा और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए हमने बिल्ड कर लिया, तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशंस। दोस्तों हाइब्रिड एप्लीकेशंस के अंदर दो बहुत बड़े टेक जॉइंट्स हैं जिनका आज हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे और उनमें से एक है रिएक्ट एंड फ्लटर। दोस्तों रिएक्ट की अगर हम बात करें तो इसको बनाने वाला फेसबुक है और आप जानते हैं कि फेसबुक कितनी बड़ी बला है, और रिएक्ट इसको बनाने वाला भी कोई छोटा बंदा नहीं है, इसको बनाने वाला गूगल है और गूगल आप जानते हैं कि वो कितना बड़ा एक टेक जॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्ट की, तो रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि अगर आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर हैं तो आप रिएक्ट से भी फैमिलियर बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि इसका कोड बहुत ज़्यादा सिमिलर है जावास्क्रिप्ट से और HTML, CSS के जो टैग्स हैं उनसे। दोस्तों रिएक्ट को फेसबुक ने शुरू में अपने लिए बनाया था और आज अगर आप मॉडर्न फेसबुक की एप्लीकेशन देखें जो वेब पे चलती है वो रिएक्ट के अंदर लिखी गई है। ना सिर्फ फेसबुक बल्कि फेसबुक ने व्हाट्सएप की जो वेब ऐप है, इंस्टाग्राम की जो वेब ऐप है, इसको भी रिएक्ट के अंदर बिल्ड किया है। तो आप इस चीज़ को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्ट कितनी पावरफुल एक फ्रेमवर्क, एक वेब, एक हमारे पास लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करते हुए आप मॉडर्न एप्लीकेशन लाइक इंस्टाग्राम, लाइक व्हाट्सएप, लाइक फेसबुक आप बना सकते हैं। शुरू में तो फेसबुक ने इसको अपने लिए बनाया था लेकिन अब फेसबुक ने इसे पब्लिक किया है और पब्लिक इसे यूज करते हुए मॉडर्न एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकती है। अब हम बात करते हैं फ्लटर की। दोस्तों फ्लटर को गूगल ने बनाया है और गूगल ने फ्लटर को डार्ट लैंग्वेज के अंदर बनाया है, और सिमिलरली फेसबुक की तरह गूगल ने डार्ट को अपने लिए बनाया था। और अगर आप जीमेल की जो मॉडर्न एप्लीकेशन है उसको देखें तो वो भी डार्ट लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है। डार्ट का अगर मैं कंपैरिजन करूं, मतलब अगर आप फ्लटर में एप्लीकेशंस को लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसका कोड डार्ट के अंदर है और डार्ट काइंड ऑफ लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसी है। सो इफ़ यू आर फैमिलियर विद सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो आप इजीली ग्रैब कर लेंगे डार्ट को भी, क्योंकि डार्ट को सी, सी प्लस प्लस, जावा के जो कॉन्सेप्ट थे ऐसे कॉन्सेप्ट जिनकी ज़रूरत नहीं थी या ऐसे कॉन्सेप्ट जो ड्रॉबैक कंसिडर किए जाते थे उन लैंग्वेजेस में, उनको निकाल कर और कुछ ऐसी चीज़ें जो इन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए थी उनको डालकर डार्ट को बनाया गया है। यानी कि डार्ट समझ लें फेसबुक जावा सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज का निचोड़ करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसकी, उनका मिक्सचर करके डार्ट को बनाया गया। तो डार्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। दोस्तों फ्लटर रिएक्ट के बाद आया था और ये अभी स्टिल यंग है और स्टिल इसकी रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। और अगर इसकी मॉडर्न एप्लीकेशंस देखें तो गूगल ने जो गूगल का एड मैनेजर है, जो गूगल एड एप्लीकेशन है, वो उसने फ्लटर को यूज़ करते हुए बनाई है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिफाई एक एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जो कि मॉडर्न क्रिप्टो से रिलेटेड, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, वो एप्लीकेशन भी फ्लटर के अंदर बनाई गई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि रिएक्ट एंड फ्लटर दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्रेमवर्क्स हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस, हाइब्रिड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। दोस्तों क्रॉस प्लेटफॉर्म या हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए और बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक एग्जामरीन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, लाइक आयोनिक है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। उनमें कुछ ना कुछ खामियां थी, डेवलपर्स ने उनको नहीं अडॉप्ट किया, कंपनीज ने नहीं अडॉप्ट किया बिकॉज ऑफ ड्रॉबैक्स, या उनकी ऐसे रेगुलर अपडेट्स नहीं है, ये शायद उनकी मार्केटिंग नहीं हुई। लेकिन रिएक्ट एंड फ्लटर दोनों को ही बड़ी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, बैक मतलब उनके बैक के पीछे बहुत बड़ी कंपनीज हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और उनको बहुत ज़्यादा वो अपडेट्स उनके अंदर ला रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग उनको अडॉप्ट कर चुके हैं। लिहाजा इस वीडियो के अंदर हम फ्लटर एंड रिएक्ट को डिस्कस कर रहे हैं।
दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने रिएक्ट यूज करनी है या आपने अपने लिए फ्लटर को चूज करना है। इसका कंपैरिजन हम एक अलग वीडियो के अंदर करेंगे जिसमें हम रिएक्ट एंड फ्लटर को सही तोलेंगे कि कौन सा किसका पलड़ा कितना भारी है और किस पैरामीटर को देखते हुए हम देखेंगे कि किसका पलड़ा कितना भारी है और कौन सी आपको यूज करनी चाहिए। तो जब उसके अंदर हम देखेंगे उस वीडियो के अंदर तो आप बेहतर तरीके से फैसला कर पाएंगे कि आपको रिएक्ट चूज करनी है अपने लिए या आपको फ्लटर चूज करनी है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के अंदर मुलाकात करेंगे। अल्लाह।